मैं बताना चाहूँगा कि ये हनी बी का जो एक छत्ता आपको पीछे नज़र आ रहा है, ये लो अमाउंट का छत्ता है, 10 से 12 हज़ार का जो है इनकी मक्खियों के समेत। अब जो है 10-12 हज़ार के एक छत्ते से आप 30 से 35 हज़ार जो है सालाना आमदनी इससे कर सकते हैं। नावला बलोच है, ज़रीज यूनिवर्सिटी मुल्तान से ताल्लुक़ है, एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक जो फार्मर है जो जिसकी स्मॉल लैंड होल्डिंग है, मतलब वो एक बीघा या कुछ कनाल जो है उसकी रकबा है और वो फोडर क्रॉप लगाता है तो एनिमल के लिए, तो वो क्या करता है अगर एक छत्ता इसका जो है अपनी उस फोडर क्रॉप में रख ले तो उसके जो फ्लावर्स बनते हैं वो इसी एक छत्ते की खुराक के लिए जो है काफ़ी हैं। और ये एक छत्ता जो है साल में 3 दफ़ा जो है इसको स्प्रिंग की मक्खी, स्प्रिंग की शहद जो है फराम कर सकता है, और 1 दफ़ा जो है उसको बेरी की शहद जो है फराम कर सकता है। आपको जैसे पता है कि बेरी की शहद की मांग जो है पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जो है ज़्यादा है, और पाकिस्तान जो है बेरी का शहद एक्सपोर्ट करता है जिसमें सरफहरस्त जो ममालिक है वो नॉर्वे है। तो इसी तरह जो है ये एक 30 से 35 हज़ार जो है सालाना इनकम एक छोटा सा फार्मर जो है एक छत्ते से जो है हासिल कर सकता है।